उत्तर प्रदेश में लगभग कोरोना के कारण 10 महीने के बंद होने के बाद आज कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के स्कूल 10 फरवरी से खोले गए। राज्य सरकार के आदेश के अनुसार सप्ताह में 2 दिनों में कक्षा 6 से 8 तक कक्षाएं संचालित की जाएंगी। इसके अनुसार आज पहले दिन कक्षा 8 के छात्रों को बुलाया गया। सभी छात्रों को उनके माता पिता की अनुमति के बाद स्कूलों में बुलाया गया था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के अनुसार सभी स्कूलों को निर्देश दिए गए कि माता पिता की अनुमति के बाद छात्रों को स्कूल में बुलाया जाए। साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना सबसे महत्वपूर्ण है और एक कक्षा में 50% छात्र रहें। एक समय में मुरादाबाद में कक्षा 6 से 8 तक के 1,00,000 से अधिक छात्र हैं जो सरकारी और निजी स्कूल में पढ़ते हैं। मुरादाबाद के छात्र सुबह से ही आने लगे, आज केवल कक्षा 8 के छात्र स्कूल में पहुंचे। स्कूल के प्रिंसिपल का मानना है कि केवल 35% अभिभावकों ने ही अपने बच्चों को स्कूल भेजने की अनुमति नहीं दी, इसीलिए ऐसा लगता है कि स्थिति सामान्य हो जाएगी और स्कूल में पूरी सावधानी बढ़ती जाएगी। कोरोना वायरस बढ़ रहा है, कोरोना के संबंध में सावधानी भी बढ़ रही है। वहीं बच्चों का मानना है कि वे ऑनलाइन कक्षाओं से भी पढ़ रहे थे लेकिन आज स्कूल आना अच्छा लगा है। 10 फरवरी से जैसे कि हमारी सरकार का निर्देश है कि 6 से 8 तक के विद्यालय खोले जाएं। यहाँ जनपद मुरादाबाद में 6 से 8 तक के जो प्राइवेट हैं, राजकीय हैं और परसदी विद्यालय हैं उसमें कुल छात्र संख्या 1,16,365 है। उसी के साथ साथ सरकार ने ये भी निर्देश दिया है कि कक्षा के हिसाब से दिन डिसाइड किए हैं। जैसे कक्षा 6 के लिए सोमवार और बृहस्पतिवार, कक्षा 7 के लिए मंगलवार और शुक्रवार, कक्षा 8 के लिए बुधवार और शनिवार को विद्यालय में कक्षा चलाई जाएंगी। तो किस तरीके से क्या क्या निर्देश प्रिकॉशन रखने के लिए जी, कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए विद्यालय की साफ सफाई की जाए, उसके लिए सैनिटाइजर, मास्क, थर्मल स्क्रीन सब विद्यालय के पास उपलब्ध होने चाहिए। इसके साथ साथ अभिभावकों से भी लिखित रूप में सहमति पत्र ले लिया जाए जो भी बच्चे आएंगे विद्यालय में। उसी के साथ साथ सारे विद्यालयों को ये भी निर्देश दिया है कि कुल जिस क्लास में जितने छात्र हैं उनका आधा ही उस दिन विद्यालय में आए। तो अभिभावकों के कंसेंस के बाद एडमिशन बुलाया गया था जी हाँ, लिखित रूप से सहमति पत्र देने के लिए कहा गया है। इसके लिए जो हमारे विद्यालय प्रबंध समिति हैं, अभिभावक पीटीएम जो होता है और माता समूह हैं उनसे जागरूक करने का प्रयास भी किया है।